तो हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं एक और टाइप का इंटीग्रल। देखिए, लास्ट हमने एक इंटीग्रल किया था, कुछ इस टाइप का किया था कि अगर आपके पास 1 अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना इंटू डी एक्स, अगर इस तरह से दिया हो तो इस टाइप के इंटीग्रल को किस तरह से सोल्व करना है। ठीक, अब फर्क क्या है, अब डिनोमिनेटर में स्क्वेयर रूट आ गया। ठीक, तो बच्चों बिल्कुल सेम स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, फर्क क्या आएगा, बस यहाँ स्क्वेयर रूट आ गया। ठीक, तो देखते हैं कैसे। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए जरा। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करते थे कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इसको हम इस तरह से ब्रेक करते थे कि एक परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। और हमने ये भी किया था कि अगर एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 है तब हम कुछ भी कॉमन नहीं निकालेंगे, अगर एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1 के अलावा कुछ और है तो चीज़ को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या दिया गया है, हम लिखते हैं कि वी राइट टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, देखो बच्चों एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 2 है तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, फिर मैंने कहा था या आपने किया भी हुआ है 10th क्लास में कि परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए हमें देखना है कि x का कोफिशियंट क्या है, 3 अपॉन 2, इसका हाफ करेंगे यानी इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मिलेगा 3 अपॉन 4। ठीक, तो आप क्या करेंगे अब आगे, ये 2 बाहर, ये एक्स स्क्वेयर, ये 3 अपॉन 2 एक्स। अब बच्चों इसका हाफ यानी कि 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3 अपॉन 4, तो आप क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर ऐड करोगे और उसे ही माइनस कर दोगे। ठीक है ना, माइनस क्यों करेंगे, ताकि हमारी जो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये बैलेंस्ड रहे। ठीक है ना, इसमें कुछ प्लस माइनस ना हो। अब मैंने कहा था कि प्लस वाले को आप इसके साथ ले सकते हो, ये 2, अगर x का कोफिशिएंट प्लस का है तो आपके पास क्या बनेगा, x प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। आप इसे ओपन करके चेक भी कर सकते हो, ये तीनों टर्म्स ही आएंगी। अब यहाँ से बच्चों माइनस कॉमन ले लेना आपने, ये बनेगा 9 अपॉन 16, ये बन जाएगा माइनस 1। ठीक है जी, अब आगे ये 2, ये आपके पास x प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये सोल्व करने पर आपके पास आएगा माइनस का 5 अपॉन 16। ठीक है ना, क्लियर। अब उसके बाद देखो भाई, कुछ मिस्टेक हो तो आप इसमें चेक करते रहें, एक बार चीज को चेक कर लेते हैं भाई एक बार। ठीक है, ये इतना क्लियर। अब देखो इसको, ये आपके पास 2, ये x प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, तो देखो बच्चों प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको रूट 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, इसे आप चेक कर लें। हमने क्या लिखा, x प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक, ये सब किसकी वैल्यू है, जो आपको ये स्क्वायर रूट में दिया गया है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। अब आगे देखो क्या करेंगे, अब नाउ जो आपके पास आई इंटीग्रल है वो आपके पास इस तरह से दिया गया है कि डी एक्स अपॉन ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक, अब इस वाले को आपने क्या बनाकर लिख दिया भाई इसको, ठीक है ना, इसको आपने लिखा है 2 और हम ब्रैकेट में x प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद और ये सारे का भाई अंडर रूट। ठीक, अब बच्चों आप इस 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल सकते हो, तो ये 1 अपॉन रूट 2 बन जाएगा, ये आपके पास डी एक्स अपॉन ये x प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर और ये प्लस रूट 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर।
ठीक है, इतना क्लियर बच्चों आपको हमने क्या किया, आप इसको एक बार चेक कर लें। अब देखिए, अच्छा ये स्क्वेयर रूट रह गया है ना, ये स्क्वेयर रूट, ठीक। अब ये आपके पास कुछ इस तरह के फॉर्म बन गए हैं, ध्यान से चेक, अगर आप चेक करो तो कि एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट, इसे चेक करो आप, ये आपके पास इस तरह के फॉर्म बन गए, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है। अब हमने कल क्या किया था कि अगर इस तरह की फॉर्म बन रही है, अब x की जगह आपके पास क्या है, x प्लस थ्री अपॉन फोर, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ये कैसे बन रही है तो अभी के लिए इसको भूल जाओ। इसमें हम क्या करते हैं, लेट x प्लस थ्री अपॉन फोर को मान लेते हैं t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो बच्चों dx कितना आ जाएगा आपके पास, dt आ जाएगा। तो अभी आई आपके पास क्या बन गया यहाँ से, आई मतलब इंटीग्रल, ये वन अपॉन रूट टू बाहर, ठीक है, इंटीग्रल का साइन है ये बच्चों, dx बन जाएगा dt, ये सारा बना t, तो ये t स्क्वेयर प्लस रूट फाइव अपॉन फोर का होल स्क्वेयर और सारे का अंडर रूट, सो ये dt आएगा भाई। अब आप चेक कर सकते हैं, अभी फॉर्म बन गई ना, x की जगह t आ गया और a की जगह रूट फाइव अपॉन फोर आ गया, ठीक। अब इसको सोल्व करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया था, लगाया क्या था, इसको प्रूफ ही किया था हमने, ठीक है ना, तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। तो अभी बोर्ड पर जगह नहीं है, आप इसको एक बार नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो देखो भाई, अब इसकी बात करते हैं, हमने कल इसे सोल्व किया था, तो ये हमारे पास क्या आया था इंटीग्रल इसका, कि लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और प्लस सी, इस तरह से आया था, ठीक है, इसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसे हम आगे कैसे सोल्व करने वाले हैं, तो ये आपके पास वन अपॉन रूट टू बच्चों बाहर आएगा, ये आपका लॉग आ गया। अब देखो, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर था तो यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, तो ये टी आ गया। प्लस मैंने बताया था कि अगर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर है तो सेम चीज़ आ रही है, तो यहाँ बच्चों आपके पास क्या आएगा, ये टी स्क्वेयर और प्लस रूट फाइव अपॉन फोर का होल स्क्वेयर और इसका ये स्क्वेयर रूट, ठीक, मोड और ये प्लस आपका सी। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ टी की वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे वन अपॉन रूट टू लॉग टी आपके पास क्या है, एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर, यहाँ पर आपके पास बनेगा एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर का स्क्वेयर प्लस रूट फाइव अपॉन फोर का होल स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट, ये मोड और ये प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर क्या होगी, ये बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं एक और नेक्स्ट टाइप की तरफ, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अब देखते हैं हमारे पास कि टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द टाइप पी एक्स प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी तक हमने किया था कि न्यूमरेटर वन था और नीचे हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी था। अब न्यूमरेटर में भी हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन आ गई, ध्यान से देखना क्या आ गई, एक लीनियर इक्वेशन आ गई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक है ना, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इक्वेशन नहीं, एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, अच्छा यहाँ पर पी क्यू ए बी सी ये सभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, रियल नंबर्स हैं, क्या है, रियल नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकते हैं। अब अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने पहले क्या करना है भाई, पुट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी और ये प्लस कैपिटल बी। इसको देखो ध्यान से, ठीक, हमने क्या किया, हमने पी एक्स प्लस क्यू को क्या लिखा, ए कोई कॉन्स्टेंट है हमारे पास, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर,
ठीक है ना, प्लस बी, बी भी हमारे पास क्या है, एक कॉन्स्टेंट नंबर है। अब देखो ये क्या बनेगा, ये तो रहेगा बच्चों ए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 2ax प्लस बी, सी तो जीरो बन जाएगा और ये प्लस आपके पास बी रहेगा, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक, अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी को फाइंड आउट करना है, ये काम रहेगा आपका। उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ध्यान से, ये बच्चों आपके पास यहाँ पी एक्स प्लस क्यू, अब इस कैपिटल ए को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास बनेगा 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए कैपिटल ए एक्स प्लस स्मॉल ए बी कैपिटल ए और प्लस बी। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देख सकते हो कि आपके पास दोनों साइड दो तरह के टर्म्स दी गई हैं, एक टर्म वो है जिसमें एक्स है और एक टर्म वो है जो कॉन्स्टेंट है। ठीक, आप क्या करोगे, इक्वेटिंग बोथ साइड्स कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है ना, अब देखो लेफ्ट साइड में x का कोफिशियंट क्या है p और राइट साइड में x का कोफिशियंट क्या है 2a कैपिटल a। ठीक, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, लेफ्ट साइड में है q और बच्चों राइट साइड में ये सारी, क्लियर होगी बात। अब यहां से अगर आपको कैपिटल a निकालना है तो क्या रहेगा, p डिवाइड बाय 2a। ठीक, अब a आ गया, इस a को आप यहां पुट कर दोगे तो q आपके पास क्या आ गया, ये b रहा, a की वैल्यू p अपॉन 2a प्लस b, ये इतना क्लियर। आपको निकालना है भी तो सारा बच्चों में माइनस हो जाएगा तो b आपके पास क्या रहेगा, ये q और ये सारा एक्सप्रेशन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो आप a और b निकाल लोगे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है कि a क्या आएगा b क्या आएगा, कुछ भी नहीं, ये तो मैंने आपको सिर्फ करके दिखा दिया कि इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है ना, आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में लीनियर इक्वेशन है और लीनियर एक्सप्रेशन है कोई और डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को किसके इक्वल पुट करना है, ए कैपिटल ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, फिर आपने सारा जो काम करना है वो ए और बी निकालने के लिए करना है। ठीक, अब ये काम क्यों करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे करना है या कोई टीचर आपको कहे कोई भी कि आप इसको ऐसे पुट कर दें ठीक है जी आप करना शुरू कर दें, नहीं, ये क्यों करना है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अब ये क्यों करना है इसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन करते हैं हम एक तो फिर हमें समझ आ जाएगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखिए बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिया है x प्लस टू होल डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इंटू dx। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो हम क्या करेंगे भाई, बहुत ध्यान से देखना, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में आ जाते हैं और अभी तक हमने जितने इंटीग्रेशन के टाइप करे हैं वो सब इसमें यूज हो जाएगा, सब कुछ जितना हमने किया है। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे वी एक्सप्रेस, किसे एक्सप्रेस करेंगे हम, एक्स प्लस टू को। ठीक, कैसे लिखेंगे, मैंने क्या कहा था कि a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस b। ठीक है, क्लियर, अब देखो जरा क्या रहेगा, ये बच्चों a रहेगा, डिफ्रेंशिएट करने पर मिलेगा
फोर एक्स प्लस सिक्स और ये प्लस बी, और ये लेफ्ट साइड में x प्लस टू। अब हमें यहां से क्या करना है, ये x प्लस टू ए को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ए एक्स प्लस सिक्स ए प्लस बी, तो ये बच्चों सारी कॉन्स्टेंट टर्म है। अब हमें क्या करना है, x का कोफिशियंट वाली टर्म को कंपेयर करना है और कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर करना है। तो हम लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, इक्वेट कर दोगे चाहे, एक ही बात है, इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म। अब देखो बच्चों, लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशियंट है वन और राइट साइड में आपको मिलेगा फोर ए। एक्स को नहीं लेना, ठीक है ना, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है उसको लेना है। तो भाई इसे सोल्व करने पर ए आपके पास कितना आ जाएगा, वन अपन फोर आ गया, ठीक। अब एंड यहां से एंड, अब कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है यहां पे टू, और ये आपके पास सिक्स ए प्लस बी, आपको तो बी निकालना है, तो बी आपके पास कितना आ जाएगा, टू माइनस सिक्स ए, ठीक है। अब ए की वैल्यू आपने निकाली है वन अपॉन फोर, तो टू टू जा फोर, टू थ्री जा, तो भाई ये टू माइनस थ्री बाय टू सोल्व करने पर आ गया वन बाय टू। तो अब देखो आपके पास बी आ गया वन बाय टू और ए की वैल्यू आ गई वन बाय फोर। अब उसे आप क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे इस वाले में, ठीक है, और यहां पुट करोगे तो किसकी वैल्यू है सारी, ये एक्स प्लस टू की वैल्यू, ठीक। अब देखो ध्यान से हम क्या करने वाले हैं, अब जो आपको इंटीग्रल दिया था ये कि x प्लस टू और ये डिवाइड में है बच्चों टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स, ठीक। अब देखो x प्लस टू की जगह ये पुट करना हमने सारा, तो a की जगह कितना है वन बाय फोर, तो ये रहा वन बाय फोर और ये फोर एक्स प्लस सिक्स, और b है बच्चों आपके पास वन बाय टू, ठीक है ना बात। और नीचे आपके पास ये टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स, इतना क्लियर। अब देखो न्यूमरेटर में अब भी दो टर्म आपके पास, एक ये और एक है। अब ये हमने क्यों किया वो बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखें, न्यूमरेटर में एक्स प्लस टू है, आप इसको सोल्व कर लो बच्चों, इसको सोल्व कर लो, आपको एक्स प्लस टू ही मिलेगा, ठीक। वन अपॉन फोर को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे एक्स मिलेगा, वन अपॉन फोर को सिक्स से करोगे तो थ्री बाय टू, और थ्री बाय टू प्लस वन बाय टू कितना हो गया, टू ही हो गया। अब ये क्यों किया, देखो उसका क्या फायदा है। अब इसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, एक टर्म ये रहेगी जैसे वन अपॉन फोर फोर एक्स प्लस सिक्स, और यहाँ पर ये टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स, और दूसरी टर्म क्या रहेगी वन अपॉन टू के अपॉन में सारा ना, तो ये वन अपॉन ये टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों। और वही बात मैं आपको कब से हर बार बोलता हूँ कि इंटीग्रल को हमेशा आई मानना है, ठीक है। तो आई मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मैं दो मान लूंगा इंटीग्रल, एक ये आई वन और एक आई टू, तो इंटीग्रल आई मेरे पास क्या होगा यहाँ से आई वन प्लस आई टू, ऐसा हम बोल रहे हैं, तो मैं क्या लिख रहा हूँ से, कि ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है बात। अब पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, और दोनों की वैल्यू फिर इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं, नाउ आई वन कितना है भाई, ये वन अपॉन फोर, ये फोर एक्स प्लस सिक्स, और ये बच्चों बना आपके पास टू एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हो, ये नहीं बताया कि हमने इस न्यूमरेटर को इस तरह से क्यों लिखा, ठीक है, क्यों लिखा, उसको कारण सुनो। अब देखो बच्चों, पहला कारण तो ये कि हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया,
ताकि हम इस तरह से एक्सप्रेशन बना सकें, पहली बात। ठीक, दूसरा क्या है कि जो पहला एक्सप्रेशन बना आपके पास उसे ध्यान से देखो, अगर आप डिनोमिनेटर को टी पुट करते हो, क्या पुट करते हो, टी पुट करते हो, तो डिफ्रेंशिएट करने पर यही मिलेगा आपको 4x + 6। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा देखो ध्यान से कि लेट 2x² + 6x + 5 = t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो ये बनेगा 4x + 6 × dx = dt। अब ध्यान से देखो बच्चों, 4x + 6 × dx कितना आ गया, dt आ गया, तो i आपके पास क्या बन जाएगा, वन अपॉन फोर बाहर कॉमन है तो न्यूमिनेटर में आ गया dt और नीचे क्या आ गया t, तो ये तो सोल्व करना आसान होगा, ये 1/4 और ये क्या होगा log ऑफ मोड t प्लस c1 क्यों, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, तो ये भाई आपके पास 1/4 और ये आपके पास log, और t आपने क्या माना था, ये 2x² + 6x + 5 + c1। तो बच्चों ये तो आपके पास i1 आ गया, इंटीग्रल आ गया, क्लियर बात। अब हमें क्या सोल्व करना है, अब हमें सोल्व करना है i2 इसको। ठीक है, तो बोर्ड पर अभी जगह नहीं है तो आप इसे पॉज करें, नोट करें, उसके बाद हम i2 को सोल्व कर दें। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई i2 को कैसे सोल्व करेंगे। अब i2 आपके पास है ये 1/2 और इंटीग्रेशन में ये dx और यहां पर है ये 2x² + 6x + 5। अब बच्चों फिर से वही काम करना है, देखो इस तरह के हम फॉर्म कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन, है ना, कि जो डिनोमिनेटर है उसको अब हमें परफेक्ट स्क्वेयर की फॉर्म में बनाना है। तो क्या लिखेंगे इसको कि 2x² + 6x + 5। अब भाई एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 2 है तो 2 कॉमन निकालेंगे, आपके पास बनेगा x² + 3x + 5/2। अब आपको पता है कि x का कोफिशियंट है 3 और 3 का हाफ बनेगा 3/2, तो आपको अब इसमें क्या ऐड और माइनस करना है, ये x², ये भाई 3x, आपको 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है और 3/2 का होल स्क्वायर ही माइनस करना है। ठीक, अब मैंने कहा था अगर प्लस है तो बच्चों आपके पास ये बनेगा x + 3/2 होल स्क्वायर, यहां से आप माइनस कॉमन निकालोगे तो ये बना आपके पास 9/4 - 5/2, तो जी ये 2x + 3/2 होल स्क्वायर। इसे सोल्व जब करोगे तो आपके पास यहां पर आएगा ये -1/4 आएगा सोल्व करने पर। ठीक है, और ये फिर से अब 2, ये x + 3/2 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बन गया और 1/4 को मैंने लिखा 1/2 होल स्क्वायर। तो बच्चों आपके पास जो डिनोमिनेटर था 2x² + 6x + 5 उसको मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया, परफेक्ट स्क्वायर बना करके, कितना क्लियर। ठीक है, अब आप इसे नोट करें फिर हम आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं भाई कि जो हमारा i2 है वो क्या बन गया, ये i2 1/2 बच्चों बाहर था है, ये dx और जो डिनोमिनेटर था उसको आपने लिखा 2 और यहाँ पर x + 3/2 होल स्क्वायर + 1/2 होल स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, ये i1 मैंने रब नहीं किया ताकि आप इसे चेक करते रहें। ठीक है, अब i2 आपके पास क्या बना है, यहाँ पर ये 1/4 dx और यहाँ बच्चों आपके पास ये बना है x + 3/2 होल स्क्वायर
प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या करेंगे, लेट या पुट लिखेंगे, एक्स प्लस थ्री अपॉन टू को मान लेंगे टी, डिफ्रेंशिएट करने पर dx कितना आ जाएगा आपके पास, dt आ जाएगा। ठीक है ना, dx कितना आ गया आपके पास, dt आ गया। अब एक्सप्रेशन में पुट करेंगे दोबारा से, ये भाई 1 अपॉन 4 dx की जगह आ गया dt, यहाँ बना आपके पास t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये बच्चों कैसा एक्सप्रेशन बना, याद करो आपने कुछ इस तरह से किया था कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपने किया था, तो ये हमारे पास क्या बनता था, 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं, ये 1 अपॉन 4 बाहर, पहले 1 अपॉन ए, ए कितना है 1/2, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी कि ये टी अपॉन फिर से 1/2 और ये प्लस सी टू। ध्यान से देखते रहो, अब बच्चों 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ऐसे बनेगा, ये 1/4 इंटू टू टेन इनवर्स, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2t प्लस सी टू, ये 2 से कैंसिल, तो 1/2 टेन इनवर्स 2। अब t आपने क्या माना भाई, कहाँ माना t, ये माना, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको x प्लस 3/2 प्लस सी टू। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। अब ये चीज़ नहीं है, कभी इसको नोट कर दो। अब बच्चों ये आपके पास i2 की वैल्यू आ गई और ये आपने i1 निकाला था। ठीक है ना, इन दोनों को आप कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़े का मतलब ये नहीं कि मुश्किल है, आसान है, आप चीज़ों को साथ साथ लेकर के चलें तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट टाइप की ओर, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।